वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। अपने मजबूत गढ़ में पिछले दो बार से लगातार हार रहे हैं, तीसरी बार स्थिति कैसी नजर आ रही है, क्योंकि रोहिणी आचार्य उतरी हैं, आदर्श बेटी के रूप में दिखाई देती हैं, उन्होंने अपने पिता को किडनी दिया, महिलाओं की भीड़ उमड़ती है उन्हें देखने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि छपरा की लड़ाई किस ओर जाता देख रहे हैं, वहां मुद्दा आपको क्या नजर आता है? देखिए, छपरा की लड़ाई बहुत रोचक और तीखी हो गई है, और जो दोनों उम्मीदवार हैं वो दोनों के दोनों, एक तरह से जनता उन दोनों से खुश नहीं है। राजीव प्रताप रोड़ी तो कई बार से सांसद वहां रहे हैं, मगर वहां के लोग बताते हैं कि हम लोग मजबूरी में उनको वोट देते हैं, क्योंकि वो जनता के साथ बहुत उनका तालमेल बेहतर नहीं होता है और वो एक दायरे में सिमटे रहते हैं। दूसरी ओर जो रोहिणी आचार्य हैं, राजद के उम्मीदवार लालू प्रसाद की पुत्री, तो उनके लिए वो जगह बिल्कुल नहीं है, और उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो लालू प्रसाद की पुत्री हैं, और लालू प्रसाद ने अपनी बेटी को जिताने के लिए वहाँ कैंप किया हुआ है। राजद का कार्यालय है जो छपरा का नया बना है अभी, वो उसी में रह रहे हैं और वहीं से सारी गतिविधियों का वो संचालन कर रहे हैं, तो ये लालू प्रसाद के लिए बिल्कुल प्रतिष्ठा का विषय एक तरह से बना हुआ है। और दानापुर में उनकी बड़ी बेटी लड़ रही हैं, मीसा भारती, जो दो चुनाव हार चुकी हैं। अब ये रोहिणी जो हैं, वहाँ उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो आई हैं और यहाँ की बेटी हैं और यहाँ के लिए कुछ करना चाहती हैं, और अपने पिता के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी किडनी दान दी है। ये वो नहीं कहती, उनके समर्थक ये बात कहते हैं, और इसी की वजह से महिलाओं में ज्यादा उत्साह है। और दूसरा ये कि ये लोगों को बताया जाता है कि वो सिंगापुर से आई हैं, तो सिंगापुर की बेटी कैसी दिख रही है, इसके वजह से भी एक महिलाओं का आकर्षण है कि जरा वो देखें विदेश में रहने वाली बेटी हमारी आई है तो वो कैसी दिखती है। मगर वो अगर जीतती हैं तो कितना काम कर पाएंगी क्षेत्र के लिए, ये बड़ा विचार करने का विषय है, क्योंकि लालू प्रसाद जी का जो घर का दरवाजा है पटना का, वो बंद रहता है आम लोगों के लिए। जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो जरूर खुला रहता था उनका दरवाजा, कोई भी जा भीतर जाके मिल सकता था उनसे, मगर उसके बाद के काल में वो दरवाजा बंद हो गया। अब आप देखेंगे कि लोग घंटों आके पटना में खड़े रहते हैं दरवाजे के बाहर और कोई उनसे मिलने नहीं आता, कोई जानकारी नहीं मिलती कि भीतर हैं भी लोग नहीं हैं, तो वहाँ भी जनता से एक दूरी दिखती है। तो ये दो ऐसे उम्मीदवारों के बीच का चयन का मामला है जो जनता से एक तरह से कटे हुए हैं। राजीव प्रताप रूड़ी तो फिर भी वहाँ से सांसद हैं, तो इसलिए उनका एक सर्किल बना हुआ है, एक संगठन का ढांचा उनके पास है, मगर रोहिणी के पास वो भी नहीं है। लालू प्रसाद इसीलिए वहाँ उनको कैंप करना पड़ रहा है। तो ये छपरा पटना के बिल्कुल बगल में सटे हुए इलाका है। लालू प्रसाद ने वहाँ कई बार चुनाव जीता और कुछ काम भी किया है, रेल फैक्ट्री वहाँ एक उनके प्रयासों से जब वो रेल मंत्री थे तो खुला है, वो चल रहा है रेल फैक्ट्री। मगर छपरा में चीनी मिल का बंद होना, मरहौड़ा टॉफी फैक्ट्री एक बहुत पुरानी होती थी, वो टॉफी बहुत मशहूर थी अपने जमाने की, वो फैक्ट्री कब से बंद पड़ी हुई है, कई दशक हो गए। तो ये हर चुनाव में होता है कि हम इसको खोलेंगे, सारे उम्मीदवार ये वादा करते हैं मगर आज तक खुला नहीं। बिहार के सारे चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं, हर चुनाव में सिर्फ वो चीनी मिल मुद्दा बनता है, मगर उसके बाद जीतने के बाद लोग भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि NDA के जो प्रत्याशी हैं उनको हर जगह अपने क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि उन्होंने काम के नाम पर हवाबाजी ज़्यादा की, काम बहुत कम किया और जनता की समस्याओं का समाधान उन्होंने नहीं किया। और जनता की समस्या का समाधान वो क्या करेंगे जब बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, उनका जो जनता दरबार लगता है उसमें एक ही फरियादी को 10-10 बार आना पड़ता है और उसके बाद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता, तो फिर सांसद और विधायक की क्या औकात है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान कर ले। तो ये बिहार एक अजीब से दुष्चक्र में फंसा हुआ है और ये उसके लिए जिम्मेवार यही सारे राजनेता हैं जो आज बिहार के चेहरा बने हुए हैं।
मगर बिहार में कोई विकल्प नहीं है। छपरा आज भी वैसा ही आपको दिखेगा जैसा 20 साल 25 साल पहले था, एकदम धूल गर्द उड़ती हुई सड़कों पर, बिल्कुल धक्का मुक्की होता हुआ ट्रैफिक जाम, कहीं 5 मिनट का रास्ता है तो आपको जाने में 1 घंटा लगेगा, कोई विकास नहीं हुआ वहाँ। तो ये सब समस्याएं हैं, इन सब पर बात नहीं होती है, बात ज़्यादा हवा हवाई होती है। ये जो NDA की ओर से लालू प्रसाद के शासन काल का की याद दिलाई जाती है, जो बीते हुए 20 साल के करीब होने को आए, उस समय की बातें याद दिलाई जाती हैं कि अगर लालू प्रसाद के उम्मीदवार या उनके पार्टी के लोग जीते तो फिर देखिए बिहार उसी काल में चला जाएगा। मगर 20 साल से 17-18 साल से तो NDA की ही सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, तो नीतीश कुमार या NDA को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने क्या किया। केंद्र सरकार की उपलब्धियां तो बहुत गिनाई जाती हैं, मगर बिहार में NDA की सरकार ने बिहार के विकास के लिए क्या किया ये उपलब्धियां वो नहीं बता पाते। उनको सिर्फ लालू का भूत दिखा करके, लालू के जंगल राज का आतंक खड़ा करके वोट पाने की कोशिश बिहार में होगी। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।